दोस्तों, जैसा आप लोगों ने क्रिकेट में देखा होगा, T20, वनडे और टेस्ट मैच में कोई बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देता है तो वो तीनों फॉर्मेट का बादशाह कहलाता है। तो आज के ओनर भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि इनके पास इस ब्रीड के तीनों ही कलर्स होते हैं, जो है प्योर ब्लैक, प्योर व्हाइट एंड ब्लैक एंड टैन। और इनके पास जितने ही पपीज होते हैं ना, वो सभी के सभी इम्पोर्ट लाइन के होते हैं। और गाइस, तीनों ही फॉर्मेट यानी तीनों ही कलर्स में इनसे बेटर क्वालिटी आप लोगों को कहीं पर भी नहीं मिलेगी, वो भी पूरे इंडिया में। क्योंकि भाई, विदेशों में जो डॉग्स चैंपियन होते हैं, ये ओनर उनको इंडिया में इंपोर्ट कराते हैं, बाद में अपने कैनल पर ब्रीडिंग कराते हैं और तब जाकर ये पपीज आप लोगों तक आते हैं। तो इस चीज में काफी खर्चा भी आता है और काफी टाइम भी लगता है, लेकिन डोंट वरी, आप लोगों को ज्यादा वेट करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई ये जो पपीज है ना, ये रेडी है नए घर जाने के लिए। और भाई, आप लोग इन पपीज की क्वालिटी देखिए, पपीज मस्त, बिंदास, सुपर्ब, एक्सीलेंट है। और सिर्फ इतना ही नहीं, और भी कुछ वर्ड बोलूं तो वो भी कम पड़ने वाले, क्योंकि भाई पपीज का अभी से आप लोगों को काफी अच्छा एंगुलेशन भी दिख रहा होगा। और टेल और इनकी बोन साइज देखे यार, कितनी हैवी है। तो भाई, इनके पास आप लोगों को सभी कलर्स के जर्मन शेफर्ड मिल जाएंगे, वो भी इंपोर्ट लाइंस और केसीआर रजिस्टर्ड। और क्वालिटी तो भाई आप लोगों को एक से एक मिलने वाली है। वैसे बहुत से लोग कह देते हैं कि हमारे पास शो क्वालिटी के पपीज हैं, लेकिन असली शो क्वालिटी क्या होती है वो आप लोगों को ये पपीज देखने के बाद पता लग गया होगा। तो बहुत से लोग क्या होते हैं कि उन्हें पैसों की नहीं बल्कि क्वालिटी की फिक्र होती है, कि भाई क्वालिटी ऐसी चाहिए जो आसपास किसी के पास ना हो। तो अगर आप लोग भी ऐसे ही खोज सकते हैं तो डायरेक्ट इन ओनर से कॉन्टेक्ट करें। वैसे इस चीज की मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि अगर आप लोगों को जर्मन शेफर्ड परचेज करने हैं, पैसों की कोई टेंशन नहीं है और आप लोगों ने इन ओनर से कॉन्टेक्ट कर लिया, तो आप लोग निराश नहीं होने वाले। वैसे शायद आप में से काफी कम लोगों को ये चीज पता होगी कि जो ब्लैक और ब्लैक एंड टैन कलर के जर्मन शेफर्ड होते हैं ना, तो वो तो केसीआर रजिस्टर्ड होते हैं, उनके पेपर्स आप लोगों को मिल जाते हैं। लेकिन जो व्हाइट कलर के जर्मन शेफर्ड है ना, वो कैनल क्लब ऑफ इंडिया की तरफ से रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसी वजह से आप लोगों को उनके पेपर्स नहीं मिलते। तो ये बात आप में से कितने लोगों को पहले से बता दी और कितने लोगों को अभी पता लगे, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। तो चलिए, एक बार मैं आप लोगों को इन पपीज के पेरेंट्स से ही मिलवा देता हूं। तो ये देखिए गाइस, ये इन पपीज के मदर और फादर हैं। यार क्वालिटी देखिए कितनी जबरदस्त है। जो मदर है वो है एला और जो फादर है वो है कापोन। एंड आई थिंक ये दोनों इम्पोर्ट हैं, बट एक बार डॉग ओनर से इस बारे में अच्छे से कंफर्म जरूर कर ले, और कैसे ये पेपर्स भी ओनर आप लोग को पर्सनली सेंड कर देंगे अगर आप लोग देखना चाहते हैं। तो चलिए, मैं आप लोग को इन पपीज की बाकी की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देता हूँ। तो सबसे पहले अगर इन पपीज की एज के बारे में बात करें, तो पपीज 40 डेज के हो चुके हैं। वैसे ओनर के पास अलग अलग एज के पपीज भी आप लोग को मिल जाएंगे, और ओनर की जो लोकेशन है वो है मूनक, जो कि हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर है। तो एग्जैक्ट लोकेशन के लिए आप लोग डॉग ओनर से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, नंबर आप लोग को डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी आप लोग को दिख रहा होगा। और गाइस, ये अपने सभी पपीज पर पूरे ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी भी प्रोवाइड कराते हैं, या फिर इनका भी यही कहना है कि अगर आप लोगों के लिए पॉसिबल हो तो डायरेक्ट कैनल पर विजिट करके भी इन्हें परचेज कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट आकर आप लोग काफी सारी चीजों को अच्छे से क्लियर कर पाओगे। एंड फाइनली, अगर प्राइसिंग की बात करें तो ये ओनर अपने पपीज का प्राइस रिवील नहीं करते। हाँ, पपीज काफी एक्सपेंसिव होते हैं, तो इस बारे में आप लोग उनसे कॉन्टेक्ट करके प्राइस के बारे में जान सकते हैं। तो आई एम श्योर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, इनकी क्वालिटी पसंद आएगी। तो प्लीज वीडियो को भी लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए। तो मिलता हूँ आप लोगों से हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।